गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा कहते थे, तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। तीन लोक ये अलग कहे जाते हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। और ये विष्णु का लोक, शिव का लोक, दुर्गा का लोक, धर्मराज का लोक, ब्रह्म लोक के अंदर भी चार लोक अलग से बना रखे इस काल में, ब्रह्म लोक में। और नीचे के एक पाताल को छोड़ के 6 लोक और हैं। ये कुल मिलाकर 14 लोक अलग से कहे जाते हैं। तो परमात्मा कहा करते थे कि तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, यानी कोई भी तत्व ज्ञान से, सत्य ज्ञान से परिचित नहीं है। और परमात्मा कहते हैं, धर्मदास ये जग बौरण और कोई ना जाने पद निर्वाण। कोई भी नहीं जानता निर्वाण पद को, मोक्ष मार्ग को। अब ये बात बड़ी कठिन हो जाती है, गले उतरती नहीं उन भगत समाज के। क्या किसी को भी पता नहीं था कि हाँ, परमात्मा कहते थे मेरे साथ दो भाई मन सब जग भूलिया पाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूलिया, जिसने वेद सरसाया और वेद पढ़ियो पंडित भूलिया, और वो मूल ज्ञान नहीं पाया, मर्म भेद नहीं पाया, इसी भूल में विष्णु भूला जिन्हें वैष्णो धर्म चलाया, और तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुत जीव फंसाया, इसी भूल में शंकर भूला जिन्हें भिक्षुक पंथ चलाया, शर पर जटा हाथ में खप्पर और घर घर अलख जगाया, मेरे साथ दो भाई मैंने सब जग भूला पाया। अब आज से 650 वर्ष पहले ये बात कोई कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश को कोई ज्ञान नहीं, तो भाई पटन के काम तो थे ये, और परमात्मा के साथ बहुत जुल्म गुजारे उन लोगों, करवाए उन नकली गुरुओं ने, पब्लिक को मूर्ख बना दिया, बहका दिया कि ये झूठ बोलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का आलोचक है। आज वही बात परमात्मा की 600 साल पहले बोली हुई अमृतवाणी आज सत्य सिद्ध हो रही है। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, फोन नंबर इतने और इतने। अब इसके 28-29 पृष्ठ पर ब्रह्मा विष्णु नारद और व्यास जी के आध्यात्मिक ज्ञान का लेवल आपके समक्ष होगा। प्रथम सकंद, पहला सकंद, संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ पे नारद और व्यास जी का आपस में आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हो रही है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, व्यास जी इज द राइटर ऑफ 18 पुराण और इन चारों वेद, श्रीमद् भगवद गीता आदि का यो राइटर है, और वो क्या पूछ रहा है, नारद जी उसे ज्ञान दे रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रसन्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। नारद जी का पिता ब्रह्मा जी हैं, देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं, ऐसे जगत
प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी, यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने, ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु से पूछा, जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस भगवान की आराधना में ध्यान मग्न है, किस देवता की आराधना पूजा कर रहे हो? मुझे असीम आश्चर्य यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने ये ज्ञान बताया। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की ये योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। वे कहते हैं कि तुम संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार है। अब ये भी सिद्ध हो रहा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, मुझे सात्विक शक्ति मिली है, रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। आगे देखो, सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। ये निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रहता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ, अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और उस दुर्गा की शक्ति से बाहर नहीं रह सकता। कभी दाव लग्या, अवसर मिला तो कुछ समय अपने घर पर रह पाता हूँ, और फिर मैं अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले, मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अब यहाँ तो घोर तप करता है, अपनी बैटरी चार्ज करता है और फिर इन राक्षसों को मार के पाप कमाता है विष्णु जी, वह बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, उसकी शक्ति अक्षीण हो जाती है। और फिर क्या बताते हैं विष्णु जी, कह रहे हैं मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से यानी दुर्गा से बढ़कर कोई दूसरे कोई देवता नहीं, यानी मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में जितना मुझे ज्ञान है, मैं दुर्गा से ऊपर किसी भगवान को नहीं जानता। मेरे जानकारी में ये सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़ी देवता या दुर्गा है, मैं इसी की पूजा में निरंतर ध्यान इसी का किया करता हूँ। अपुण्य आत्माओं, ये सत्र आ गया श्री विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान का। क्या कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी भगवान को नहीं मानता, मेरे लिए तो फाइनल गॉड है, कंप्लीट गॉड दुर्गा है। अब दुर्गा कह रही है कि तुम मेरी पूजा भी मत करो, सभी बातों को छोड़ दो, केवल ब्रह्म की पूजा करो, वही परमात्मा पूर्ण है, उसका ओम नाम है, उस ओम नाम के जाप से उसको प्राप्त कर जाओगे और वो ब्रह्म लोक में रहता है। अपने आत्माओं, दो अक्षर की बात थी, इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, ठीक है ग्रंथ हैं, ये तो एक समझ लो ये वन, और उस वन में जो जड़ी, बहुत सी जड़ियां होती हैं, हमने वेद को पता होता है कौन सी जड़ी चाहिए, सारे वन का क्या करेंगे,
अपनी वो जड़ी निकाल ले और औषधि बनावे, रोग नाश करे। हमने यह जड़ी निकाल ली इन सभी सदग्रंथों रूपी वन से, जंगल से, और अपना काम बढ़िया। और एक जड़ी में तभी जिसके पत्ते की आवश्यकता, पत्ते पत्ते तोड़ के दवाई में मिला ले, बाकी डंठला का क्या करेंगे। तो इसी प्रकार हमने इन सदग्रंथों से वो अनिवार्य विवरण आपके समक्ष रूबरू करा दिया, जिससे हमारी यह दवाई बन गई ज्ञान सुलझाण की और जन्म मरण के रोग काटने की। अब देखिएगा सातवां स्कंध, ये है 462 पृष्ठ। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश, हिमालय पर्वत नहीं, ये राजा था एक हिमालय, और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब ये तो कहती है कि मेरी भक्ति कृत ऐसे कर, लेकिन ये मोक्षदायक नहीं है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप है, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध, और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्सर ब्रह्म है। अब दुर्गा कहीं तो ब्रह्म कह रही है, कदे अक्सर ब्रह्म कह रही है। अक्सर पुरुष तो ये, अक्सर ब्रह्म तो परब्रह्म है। फिर भी ये उवा बाई ज्ञान लास्ट में ये कहाँ समाप्त करते हैं। अब ये महिमा तो सुनाते हैं वो अविनाशी भगवान की, और विधि लास्ट में बताते हैं, और ब्रह्म को ही कंप्लीट गॉड बता करके अपना अज्ञान थ्योरी बंद कर देते हैं। वह यही अक्सर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और वही सबके मन है। वह ये परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सो में उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर अपनात्माओं, जिनको इस ज्ञान काफी बार सुन रखा है इस दास का, अब आसानी से समझ लोगे दुर्गा कितना अज्ञान है इसमें। यहाँ कह रही अक्सर रूप ब्रह्म, अक्सर ब्रह्म के बारे में भी बोल रही है। अक्सर माने वैसे अविनाशी परमात्मा होता है। ये महिमा तो गाते हैं पूर्ण परमात्मा की, और विधि जाप की केवल ब्रह्म तक की बताते हैं। अक्सर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव, प्रणव माने ओम, धनुष है, जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता। अब अक्सर ब्रह्म छोड़ कर इव आगे ये ब्रह्म का ऊपर है, और ब्रह्म की साधना बता दी। ये तो महिमा गा रही है ये, कि वह समस्त के प्रजा के ज्ञान से परे, अर्थात किसी की बुद्धि माने वाला नहीं है, तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्सर ब्रह्म है। अब यहाँ दुर्गा के ज्ञान की स्थिति देख लो या फेल हो रही है, कि जैसे ये कहते हैं ये जो इतने ब्रह्मांड हैं ये सारे परमात्मा में स्थित हैं, परमात्मा निराकार भी बता रहे हैं ये, लेकिन यहाँ कहते हैं वही ये अक्सर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन है, वही परम सत्य है। और आखिर में यहाँ बता रही है उस, और फिर लास्ट में कहती है ओम नाम जाप कर, जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म उसका उद्देश्य है। ब्रह्म का ऊपर छोड़ दिया और ओम नाम पहला छोड़ दे। आगे देखो,
अब क्या कह रहे हैं, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अपनी साधना को भी कहती है छोड़ दे, नहीं केवल एक उसकी पूजा करो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। अब यहां आत्मा कहें इसने, या तो परमात्मा कहते, इस परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम का नाम जाप करो, ब्रह्म को पा जाओगे। और यहां महिमा गाई जा रही है परम अक्षर ब्रह्म की, वह है ये अक्षर ब्रह्म। अक्षर माने अविनाशी होता है, क्योंकि ये तीनों ब्रह्मों की जानकारी कहीं नहीं दे पाए, सर्वपुरुष अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, एक गीता जी को छोड़कर। तो यहाँ ये, यहाँ तो महिमा ये वह परम सत्य और अविनाशी तत्व है, वो तो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, क्योंकि ये ब्रह्म तो नाशवान है। और आखिर में विधि बता रहे हैं ये कि ओम के जप के साथ ध्यान करो इस आत्मा का, ब्रह्म का, और इससे अज्ञान अंधकार से सर्वथा परे जो संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है, वह ये सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 17 में कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा पूर्ण पुरुष तो परोक्ष है, और अहम ओम खम ब्रह्म, खम का अर्थ है दिव्य आकाश, ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में वो काल रहता है, ब्रह्म रहता है, उसका ओम नाम है। पुण्यात्माओं, ये तो ज्ञान दे दिया दुर्गा ने कि ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम है, और सब बातें छोड़ दो। अब ब्रह्म ने श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान दिया श्री कृष्ण में प्रवेश करके, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता अर्जुन, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, और जो उच्चारण करके स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, यानी अंतिम सांस तक इसका जाप करता है, वह ओम से मिलने वाली जो उपलब्धि है उसको प्राप्त कर लेगा, वो परम गति को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी सभी जन्म मृत्यु के अंदर हैं, वहाँ गए हुए प्राणी भी फिर लौट कर आते हैं। 4वें अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे पहले भी जन्म थे, आगे भी होंगे, ये ना सोच के हम अभी अभी जन्मे। 2वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं, और 15वें अध्याय के 1-4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौट कर कभी नहीं आते। इसे सिद्ध है कि ब्रह्म साधना करने वाले का भी जन्म मृत्यु है, क्योंकि ब्रह्म का भी जन्म मृत्यु है, इसलिए कहा कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाले फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। अब उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना को ये ब्रह्म नहीं जानता, उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, और वो उस परमात्म तत्व के बारे में पूर्ण मोक्ष मार्ग वो निर्वाण पद के विषय में तुम्हें जानकारी देंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म भी इनकम्प्लीट नॉलेज रखता है, इसका भी पूर्ण ज्ञान नहीं। और सतयुग के ब्राह्मण एक क्या कर ना, एक बोरी में थे एक परखी मार के देख ले उसके सारे, उसे पता लग जाएगा इसमें कैसा माल है। अब सतयुग के ब्राह्मणों ने कितना ज्ञान था वेदों का, फिर त्रेता और द्वापर कलियुगा का तो कहना है कि क्योंकि उन्हीं से आगे वो ज्ञान चलता हुआ आ रहा था। ये देखिएगा वही देवी भागवत
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये छठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे, यहाँ देखो 414 पृष्ठ पे। यहां से जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, अरुण के द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। ये पूर्ण विद्वान थे वेद के, ब्राह्मण सतयुग के ऋषि महर्षि, और वह दुर्गा की पूजा करते थे। वेद में कितना भी नहीं लिखा दुर्गा की पूजा करने का, कहीं विधान नहीं है, केवल एक ओम नाम का मंत्र जो दुर्गा खुद कह रही है ब्रह्म की पूजा करो। और भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। यह मंदना का लठी ननगढ़वा रखा, और सतयुग से ही तत्पर रहे हैं ये सारे उल्टे काम करवा दिए। और देखो यहाँ तोड़ पाड़ दिया, कलयुग के ब्राह्मणों के विषय में बड़ी विशेष जानकारी है ये। धर्म की ये स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ हरास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन इन प्राचीन युगों में यानी द्वापर त्रेता सतयुग में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। आ गया उड़ इन के इतिहास में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सतसंगी, ये आदि पंक्ति है एक परमात्मा के अमृतवाणी की। और इस आधी पंक्ति को सिद्ध करने के लिए कितना ढेर सारे प्रमाण आपके रूबरू करने पड़े दास ने। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्म दास ये जग बोराना कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए वो राम नियारा है। यही कार यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भर्म नसाओ, अब मैं तुमसे कहूं चिताई ही तेर देवन की उत्पत्ति बाई। परमात्मा कहते हैं मैं तुझे सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, इन त्रे तीनों भगवानों का जन्म कैसे हुआ, ब्रह्मा और विष्णु महेश का। अब मैं तुमसे कहूं चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूं गहुराई सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना आदि राम का भेद न जान्या, अब पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं वेद पढ़ने पर भेद ना जाने, ये बांचे पुराण 18। और जड़ की मूर्ख पूजा करें ये भूल रे सृजनहारा, वेद पढ़े हैं लोगन दिखावा वेद के बड़े ज्ञाता है, और पूजन दुर्गा ने थरा के जब। ये यहाँ परमात्मा की वाणी है कि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यो थोथा बुझ छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे ना सार रहे अज्ञानी। पुण्यात्माओं ये 5500 वर्ष पहले लिपिबद्ध हुए थे वेद गीता और पुराण, और अभी तक इन ब्राह्मणों को ऋषियों को हिंदू धर्म के गुरुओं को इनके विषय में कह कह का भी पता नहीं था।
पुण्यात्मा इतने इतने ऑथेंटिक सदग्रंथ, इतने प्रमाणित सदग्रंथों को जिनको हम अभी तक श्रोधार्य मानते थे उसके विपरीत ज्ञान हमें सुनाया गया, तो उन जैसे नालायक पृथ्वी पर नहीं जिनको मैं ऋषि और विद्वान और गुरु कहा करते थे। उन हमारे सारे पूर्वजों को बट्ठा बैठा दिया, काल के मुंह में फंसा दिया और सब किसी पितृ भूत बना दिए, और इन्हों के ईब उनके श्राद्ध निकालो अपना पेट भरने की खातिर। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम को बिरला जाने। आदि राम प्रिभु, प्रिभु माने आदि प्रभु, सबसे सनातन परमात्मा। ये दुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में लिखा है, स प्रि आगात, स माने वह, प्रि माने सबसे प्रथम, और आगात माने देहधारी। वो सबसे पहला देहधारी है, और उसकी देह कैसी है, शरीर कैसा है, सुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम अबिंधम। और कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू व्यवधाता और शाश्वती भय समाभय। वो परमात्मा कबीर देव, वो कबीर देव जी मनीषी माने सर्वज्ञ है, और वो सबसे प्रथम देहधारी। परिभू माने आदि राम, परिभू सबसे पहले वाला परमात्मा है। वो स्वयंभू है, उसकी काया शुक्रम अकायम, माता पिता के योग से बने हुए शुक्र की नहीं है, उससे रहित है, और असनाविरम है। अगर इसमें भगवान निराकार सिद्ध होता इस यजुर्वेद 40 अध्याय नंबर और मंत्र 8 में, तो केवल अकायम शब्द ही काफी था। इसमें शुक्रम अकायम लिखा है और असनाविरम और फिर स्वयंभू कति क्लियर कर रखा कि उसका शरीर है, लेकिन ये आप जैसा माता पिता से मिला हुआ जाड़ी नाड़ी के जोड़ जुगाड़ का नहीं है। और वो स्वयंभू है, वो अपना आप ही बनता है, जिसका स्वयंभू माने जिसका कोई जनक ना हो, स्वयंभू का सीधा सारथ है। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। अब मैं तुमसे कहूं चताई, तेर देवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहो गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। कि जो मैं ज्ञान बताने जा रहा हूं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, इसको जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वो तो सीने से लगाएंगे कि बिल्कुल सही है, और मूर्ख होंगे इतने प्रमाण देखकर भी नहीं मानेंगे, वो तो मूर्ख होंगे, वो भक्ति योग्य नहीं होते। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभ्या। अब ये निरंजन जो है, ये ज्योति निरंजन है, लेकिन इस पद्य भाग में उस स्वर के आधार से शब्दों को आधा ले लिया जाता है। ये ज्योति निरंजन है, काल है, ब्रह्म है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभ्या। युकाल भगवान दुर्गा के सुंदर रूप को देख करके उस पर आसक्त हुआ और इसने उसके साथ जुल्म करना चाहा, तो दुर्गा के साथ इसने दुर्व्यवहार करना चाहा। सतलोक में दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बना के इसके पेट में प्रवेश किया,
तो वहां से परमेश्वर कबीर देव जी ने जोगजीत रूप धारण करके इसको आकर वहां से पेट से निकाला था इस दुर्गा को, काल के पेट से, और फिर इनको दोनों को वहां से 21 ब्रह्मांड समेत 16 शंख कोश दूर भेज दिया सतलोक से। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभ्या, काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। इस काल के अंदर विषय वासना प्रबल हुई और दुर्गा के साथ बकवाद करनी चाही और दुर्गा इसके पेट में चली गई। पेट से देवी करी पुकारा, ए साहेब मेरा करो उभारा। परमात्मा कहते हैं, टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए, सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीना निकारी, माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई, अष्टंगी और काल अब दोई, ही मंद कर्म से गए बिगोई, धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लीना, धर्मराय ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। अब काल और दुर्गा ने संयम किया, पति पत्नी व्यवहार किया, उसके विषय परमात्मा बता रहे हैं। धर्मराय की ना भोग विलासा, माया को रही तब आशा, या दुर्गा प्रेग्नेंट होगी। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। उन आत्माओं, अब परमात्मा का पहचानना कति आसान हो गया। आज तक हमें ये बताने वाला कोई नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, और यहां परमेश्वर ने इस ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता के भी माता पिताजी का जिक्र हमें बता दिया, वो ज्ञान हमें दे दिया, क्योंकि वो सबके जनक हैं, वो कबीर देव हैं, वो धाणक कबीर, जुल्हा कबीर जो बनारस में आए थे, वो पूर्ण परमात्मा हैं। अब कितना निर्मल ज्ञान, 600 वर्ष पहले ये ज्ञान बोला था, कोई ये सोचा कि रामपाल घर की बना रहा होगा, आपको कबीर सागर से दिखाता हूं। ये देखिएगा, ये पवित्र सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर सागर, कबीर वाणी। अब देखिएगा ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। कबीर सागर, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग बंबई। ये अब देखना, इसके बोध सागर में, ज्ञान बोध के अंदर बोध सागर में, ये है ज्ञान बोध, और ये बोध सागर में 21 पृष्ठ, 21 पर सुनाते हैं। धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये गलत मिसप्रिंट कर रखा है, नाम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भर्म नसावो, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई, भर्म गए जग भेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। ये राम है, नाम नहीं। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई।
राजा राम को सब जग जाने, तुमसे ताको भेद बखाने। कहती राजा राम तो को सुप्रीम गॉड मान रहे हैं। अब ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई ही, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब बताता हूं उनकी माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई ही, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उभारी। टेर सुनो सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। अब ये संशोधक थे ना एक कबीर पंथ के, इन्होंने यहाँ, क्योंकि वो कबीर साहब को गॉड नहीं मानते, उन्होंने यहाँ करा टेर सुनी तहाँ हम आए, हम तहाँ आए, ये सतगुरु लिख दिया इन्होंने, तहाँ हम आए और अष्टंगी को वन छुड़वाए। अब 22 पृष्ठ पर ज्ञान बोध। धर्मराय को हिकमत की ना, नखरेखा से भग कर लीना। दुर्गा के पहले स्त्री योनि नहीं थी। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव और ये विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। कहते काल के तीनों पुत्र इस विस्तार को चला रहे हैं, ये सारा संसारी इन्हीं को भगवान मान के और यहाँ धोखा खा रहा है, इनको पूर्ण परमात्मा मान के। पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा की जानकारी कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा लीन्या। कहते अपने तीनों पुत्रों को ये तीन लोक जिस पर युग काल अपना आहार पैदा कर रहा है, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन तीनों लोकों को अपने पुत्रों का अधिकार बना दिया है। तीनों लोकों का एक एक मंत्री बना दिया, रजगुण विभाग का ब्रह्मा, सतगुण विभाग का विष्णु, तमगुण विभाग का शंकर। ये हमारे को यहाँ पैदा करते हैं, रोके रखते हैं और मार के अपने पिता काल के पास भिजवा देते हैं। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन वसा लीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाणा, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाण्या। तीन देव सो उसको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बट पारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। अलख निरंजन यु काल जो है बड़ा बट पारा माने ठग है, जाल साज है, तीन लोक के जीवों को खाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाओगा, अपने पुत्रों को भी मारेगा, यू इन्हें छोड़ दे कोई नहीं और खाओगा। तीन के सुत हैं तीनों देवा, ये अंधर जीव करते हैं सेवा। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये दुर्गा और काल के बेटे हैं और ये ज्ञानहीन अंधे प्राणी इन्हीं की पूजा में लगे रहते हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीन्या। ऐसा राम सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीनों देव असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्म दास मैं कहूँ पुकारा। रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी का ही ये सब ढूंढ खेल चल रहा है तीनों लोकों में। गुण तीनों की भक्ति में, अहे भगवान। यह कहते गुण तीनों की भक्ति में, ये कोड वर्ड गीता में देखना, सातवें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक यही कोड वर्ड है। गुण तीनों की भक्ति में, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की भक्ति में। यो भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिन, कैसे उतरे पार। पुनात्मा यदि परमात्मा 600 वर्ष पहले ना आते और वो लीला ना करते जो भगवान किया करते हैं, तो हम परमात्मा को कभी नहीं पहचान सकते।
आज चौथा युग आ गया और इन तीन युगों में थोड़े समय नहीं होता, 43,20,000 वर्ष होते हैं। अब 43,00,000 में तो लगभग 40,00,000 वर्ष जा लिए, 40,00,000 वर्ष तो इस चतुर्युगी में आज तक किसी को कह कह का पता नहीं, केवल उन महापुरुषों ने छोड़कर जिनको भगवान डायरेक्ट आकर मिले थे और उनको अपनी महिमा से परिचित करवाया, या आज इस दास पर रजा बख्शी है या आप उनकी पुण्यात्माओं को यह खजाना मिला है। अब 600 वर्ष पहले मालिक ये सब लिख कर बोल कर चले गए थे, आज सब ग्रंथ प्रमाण देते हैं। अब आपको दिखाते हैं शिव पुराण में जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बोला था और ये पुराण 5500 वर्ष पहले की लिखी हुई है। और पुण्यात्माओं, आज तक इस पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों को ये अज्ञानी गुरु ब्राह्मण ये सिलेबस भी ना समझ सके, हमारा जो सब्जेक्ट उनका था उसको भी नहीं समझ सके, हमारा सिलेबस है ये पुराण गीता और ये वेद, इनके विषय में भी ये नहीं जानते थे, तो ये टीचर ठीक नहीं थे, इन्होंने हमारा जीवन व्यर्थ कर दिया। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, परमात्मा कहते हैं पाछे गई सो जान दे, और ले रहे तीन राख उल्टी ला चढ़ाइयो करो पोठी चाक, या पटरी तो नीचे गाड़ी चली गई इसने अपनी ने फिर पटरी बदल लो और लाओ चौथा गेर। अब देखो शिव पुराण समझा है तो सिर दर पाओ बहुर नहीं रे ऐसा दाओ, ये संक्षिप्त शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके संपादक कौन है, हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब यहाँ से शुरू करते हैं, ये रुद्र संहिता शिव पुराण, अब प्रश्न नंबर हम 98 से लेते हैं नीचे से, ये अध्याय 5 खत्म हो गया रुद्र संहिता का। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। अब 99 पृष्ठ पर रुद्र संहिता छठा अध्याय, ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन देव शिरोमणे तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से उत्तम बात पूछी है, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देता था न चंद्रमा, अनन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात होती थी, उसमें तत् सद्ब्रह्म इस रुचि में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था है, ये ओम तत् सत्म ये सत पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। अब फिर क्या बताता है 100 पृष्ठ पे, जिस परब्रह्म के विषय में देखो, अब ये कहां से शुरू करते हैं, इस काल को ये परब्रह्म बोल रहा है ब्रह्मा, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से युक्त पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार, यानी कुछ सच्ची कुछ झूठी, ज्ञान और अज्ञान सच्ची झूठी पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ, तब वह निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की, यानी ये निराकार माना है काल को प्रेम को, और कहते फिर वो आकार बन गया, आकार बना तो कौन बन गया, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। अब शिव युकाल शिव रूप धारण करके आ गया युकाल, अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। अब यहाँ अंग माने शरीर होता है, अब जैसे वेदों में अंग अंग अंगीश्वर अंगीर
तो सह शरीर परमात्मा के विषय में जानकारी है, जो उसके शरीर अंग से उनके शरीर से कभी अलग होने वाली नहीं थी। अब ये काल दुर्गा काल के पेट में चली गई। अब ये परमात्मा कबीर जी से सुना था यो ज्ञान, पर सच्चा नहीं मानकर कुछ उनका ज्ञान कुछ अपना ज्ञान का इस ब्रह्मा ने जोड़कर ये बताया है, उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। ये क्या कह रहा है, उस समय एकाकी रहकर सब इच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, यानी अपने शरीर से एक दुर्गा को निकाला जो उनके अपने शरीर अंग से यानी शरीर से कभी अलग होने वाली नहीं थी। अब उस दुर्गा को दुर्गा से धोती है, उसके सारे यहाँ उसके विश्लेषण बताए गए हैं। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया, ये भी ध्यान रखना कि प्रधान और प्रकृति दुर्गा को कहा जाता है, ये गीता जी में काम आओगी आपके, और वही शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति फिर शब्द दोहरा प्रकृति दुर्गा को बोलते। सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी, नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की आठ भुजाएं हैं। अब सदाशिव इस काल के पेट से निकली थी, परमात्मा ने निकाली थी, इसने खा ली थी, इसके पेट में चली गई थी अपना इज्जत बचाने के लिए, और उसकी आठ भुजाएं, क्लियर हो गया कि ये दुर्गा है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं, उसके शरीर की। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। हो गया स्पष्ट, एकाएकनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब ब्रह्मा बोल रहा है काल की महिमा गा रहा है, और फिर क्या बताते हैं, अब वो काल के बारे में बता रहा है ब्रह्मा, ब्रह्म के बारे में, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसको सदाशिव कहो चाहे काल ब्रह्म कहो, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, एक ही समय में शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, ये पृथ्वी वाली काशी नहीं, 21वें ब्रह्मांड के टॉप मोस्ट प्लेस पर उसको रहता है ये काल, उसको काशी कहते हैं। उसका तो यह नकल से नाम रखा है बनारस काशी। वह परम निर्वाण का या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है, सबसे ऊपर है वो। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव, यानी पति पत्नी शक्ति और शिव, दुर्गा और काल जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य में से मुक्त नहीं किया। देवेश्वर एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर काशी में सब इच्छा अनुसार वितरें और निर्वाण धारण करें। इन्होंने ऐसा सोचा कि किसी और पुत्र की उत्पत्ति करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के दसवें अंग पर अमृत मल दिया, पति पत्नी व्यवहार किया, फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक बालक का जन्म हुआ। 102 पृष्ठ पे, अब ज्यादा ना यह बताते हैं। शिव ने कहा, काल ने कहा, वत्स जो बालक उत्पन्न हो गया ना उससे बोले शिव, वत्स यानी बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब विष्णु का जन्म दुर्गा और काल से ब्रह्म से हुआ। सदाशिव कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो।
अब यहाँ पर ये छठा अध्याय समाप्त हुआ, सातवां रुद्र संहिता में है ये। अब ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने उस काल ने पूर्वोत्त प्रयत्न करके यानी दुर्गा के संयोग से मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि कुंड में डाल दिया। अपने आत्माओं, अब यहाँ ये अनुवाद करता विचलित हो गया कि मैं शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे करूं बताऊं, अनुवाद में गोलमोल कर दिया। लेकिन कहते हैं चोर चोरावे तुम बुढ़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। अब देखिए नौवें अध्याय में रुद्र संहिता, ये रुद्र संहिता और ये नौवां अध्याय पृष्ठ 110 पे संक्षिप्त शिव पुराण, इसके लास्ट में नौवें अध्याय के रुद्र संहिता में इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव कहो महेश कहो, ये यहाँ रुद्र महेश को ही कहा गया क्योंकि 11 रुद्रों के ऊपर इसकी प्रधानता है, इसलिए इसको रुद्र भी कह देते हैं। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में तो गुण हैं और वो शिव चौथा, परंतु शिव गुणातीत माने गए। इससे सिद्ध हो गया कि ये तीन तो न्यारे हैं और युग काल इनका पिता है, ये इसके तीनों पुत्र हैं। फिर भी कंसेप्ट और करियर करते हैं 25-26 पृष्ठ पर, ये देखिएगा विधवेश्वर संहिता। इसमें क्या है, ये विधवेश्वर संहिता 24 पृष्ठ पे, ये एक चित्र देखिएगा पूरा। एक बार ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई इस बात पर होगी, ब्रह्मा बोला मैं तेरा बाप, विष्णु बोला मैं तेरा बाप। इस काल भगवान ने बीच में एक लिंग स्थापित कर दिया, बहुत लंबा तेजों में स्तंभ, और ये फिर लड़ाई भूल के इसकी ओर छोर देखने लगे। तब यु काल आ गया अपने शिव रूप धारण करके, अपने बेटे शिव का रूप धारण करके प्रकट हो गया। तब वो काल इन दोनों से क्या कहता है, ये 25 पृष्ठ पर देखते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभो सृष्टि आदि पांच कर्तव्यों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युग काल बोला मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, फिर भी मैं बताता हूँ। अब 26 पे हमने अपने काम की बात लेनी, ये सिद्ध करना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं और युकाल अलग है, ये इनका पिता है। ब्रह्मा विष्णु को युकाल बोल रहा है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए, मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक दो कृत प्राप्त किए, ये तुम्हें दोनों बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने ये मैं नहीं है ने दो अन्य उत्तम कृत सहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं प्राप्त कर सकता। अपने आत्माओं, ये दो तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, रुद्र और महेश्वर ये न्यारे हो गए, और यू बोल रहा है पुत्रो यू पांचवा हो गया। अब ये काल ब्रह्म है, ये ब्रह्म बोल रहा है, यहां देखिएगा और क्लियर होता है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे रूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। ओम मंत्र काल का है, ये सिद्ध है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार यानी ए का और पश्चिम मुख से ऊ का, ओंकार कहो चाहे ऊ कहो, दक्षिण मुख से मैं का, मकार कहो चाहे मैं कहो, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, जो इसके ऊपर ये ए ऊ और ऊपर बिंदी बिंदु का, तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकाट्य हुआ है। इस प्रकार पांच अवयों से युक्त ओंकार का
विस्तार हुआ है। इन सभी अयों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में कहा कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का यह केवल एक ओम मंत्र है, एक अक्षर का ओम मंत्र है। इन सभी अयों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। और ये देखो ना, ओम नमः शिवाय ये गलत रोंग है, ये इन्होंने अलग से लिखाई में लिखा है। ये मंत्र कोई नहीं है, ये बिल्कुल गलत लिखा है, मूल संस्कृत में नहीं है ये मंत्र, ये केवल ओ मंत्र है इसका। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।